हरे कृष्णा। तो आज हम आए हैं रांची के इस्कॉन टेंपल में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कैमरा में उल्टा दिखाई दे रहा है, बट हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तालिका दिए हुए हैं कि सारा दिन में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में। तो हम इसको आपको उसी तरह से दिखाते हैं। और संडे को भी यहाँ पर कुछ कुछ क्लासेस होती हैं जिसपे आप लोग बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं, और इस तरह हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, नहीं होता है। इस समय सारणी में आपको सुबह की आरती से लेकर संध्या तक क्या क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल मिल जाएगी। साथ ही संडे को कौन कौन सी क्लासेस चलती है उस बारे में भी डिटेल मिलेगी। ये हम प्रांगण में आ चुके हैं और यहाँ का प्रांगण बहुत ही शांत और बहुत ही स्वच्छ था। हम आपको इस्कॉन के अंदर ले जाते हैं। ये रांची में बहुत ही छोटा सा एक मंदिर है, बट यहाँ पर बहुत ही शांति मिलती है। जैसे जैसे आप इस मंदिर के अंदर जाइएगा, वैसे वैसे आपको पॉजिटिव फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भगवान के बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि चैंटिंग के लिए माला और भी बहुत कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आप यहाँ से ही बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। ये सारे चीज़ें जो कि यहाँ पर बिक रही है, उन सभी चीज़ों का भी मैंने यहाँ वीडियो लिया हुआ है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर थी, अत्र भगवान के लिए, परफ्यूम और टीका के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ से मैंने चैंटिंग के लिए माला और गोपी चंदन करदा। गोपी चंदन का स्मेल आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे मतलब साथ में रहने से ही उसका स्मेल इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, इसलिए मैंने वो ले लिया। बहुत ही सस्ते दामों में मुझे वो सब मिला। गीता, रामायण, यहाँ पर सारे बुक्स उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारे बुक्स हैं। हम भगवान के यहाँ द्वार पे परमिशन लेके, फ़ोटो यहाँ लेना अलाउ नहीं है, पर हम परमिशन लेके भगवान का फ़ोटो यहाँ पर वीडियो दिए, और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का भी कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई थी, जैसे कि ये है कि कृष्ण अवतार जब लिए थे उनके बाद कैसे कौन कौन से गुरु आए। ये महामंत्र है जो हम जाप करते हैं उसका, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप यहाँ पर चाहे तो चैंट बैठ के कर भी सकते हैं, जो कि यहाँ पर उपलब्ध था सबके लिए माला, और हमने भी यहाँ पर जाप किया, और जाप करते करते हमारा 2 घंटा कब पार हो गया हमें पता भी नहीं चला। अब हम वहाँ से बाहर आ गए थे और हमें प्रसाद यहाँ से ग्रहण करने को मिला। ये जो है ये एक क्लासेस है जहाँ पर संडे को बच्चों जितने भी आपके छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर पाठ सिखाया जाता है, गीता पाठ कराया जाता है और भी बहुत कुछ। अच्छा, यहाँ जो है ये दान अगर आप करना चाहते हैं, गीता दान या कुछ उसके बारे में है। साथ ही साथ सात्विक खाना अगर आपको घर में होम डिलीवरी करना है उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। अब हम वहाँ से निकल गए हैं और अब हम निकल के वहाँ से बगल में ही रॉक गार्डन था जहाँ हम जाने के लिए तैयार हो गए, और रॉक गार्डन में हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर बगल में ही काकिक डैम है। तो ये रास्ता जो है ये हमको इस्कॉन मंदिर से बाहर जाने वाली रास्ता है। ये मेन रोड से इस्कॉन मंदिर थोड़ा अंदर है जिस कारण से सभी लोगों को इस बारे में पता नहीं है। ये हम रॉक गार्डन के ऊपर जा रहे हैं। ये पार्क भी बहुत सुंदर है, हम बचपन से ही यहाँ पर आते हैं और बहुत साल हो गए कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ, इसलिए सोचा कि चलो इसका भी वीडियो बना लिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पार्किंग है जहाँ पर कि हमें अपना गाड़ी पार्क करना पड़ा, हमारी धन्नो यहीं पर लग गई, और इसका टिकट का दाम था 10 रुपया पार्किंग के लिए,
और अंदर एंट्रेंस के लिए एंट्री टिकट 30 रुपीज़ लग रही है यहाँ पर। आप साथ में अगर बच्चे हैं तो बच्चे का भी शायद 5 साल के ऊपर के बच्चों का लगता है हाफ टिकट, और बाकी नहीं लगता बाकियों का। साथ ही साथ आप यहाँ के व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर गार्डन है। ये हमारे रांची का बोले तो सबसे पुराना गार्डन है, जिस जो कि यहाँ पर अभी रेनोवेट हुआ है। बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। हम भी वहाँ गए थे तो आधा चीज़ मिल रहा था, आधा चीज़ नहीं मिल रहा था। एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं, चल तो रॉक गार्डन की इस गुप्त जगह पे हम जा रहे हैं। नया चीज़ दिखाने के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैंने बोला कि चलो एक नया चीज़ दिखाते हैं। हम लोग बचपन में यहाँ पर हाथी का पेड़ बोलते थे, और इसके अंदर से हम लोग पार यहाँ पर रुक, हम नीचे जाते हैं, नीचे से देखते हैं तो निकल पाते हैं कि नहीं, यही रुक। मगर हमें बाद में पता चला कि वो हाथी का पेड़ बंद हो चुका है, मगर एक्चुअल में बंद नहीं हुआ था, उसका रास्ता कहीं और से था और मैं भूल गई थी। वो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको, पर फिर मैंने उसे बुला लिया बाहर और अब हम जा रहे हैं दूसरे तरफ। ये देखिए, यहाँ से बंद होते हुए दिखाई दे रहा था हमको कि यहाँ से बंद हो गया है, तो उस दृष्टि को भी लग रहा था कि वो बंद हो गया है, पर उधर से घूम के आ गई कि अरे धोखा दे दी ऐसा। हाँ, फिर हम यहाँ से निकले और फोटो लेके उसके बाद हम ये काके डैम का व्यू बहुत ही सुंदर। और एक्चुअल में यहाँ पर देखिए वो जो काके डैम जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, तुमको छोड़ दिया तुम लोग, आए हुए हैं काके डैम। और काके डैम में इतना जोर से हवा चल रहा है कि हम लोग के बालों का बैंड बजाया हुआ है। सारे रॉक गार्डन आए हुए काके डैम के पीछे वाला। हाँ, काके डैम वो है और हम लोग उसके ऊपर रॉक गार्डन है उसमें आए हुए हैं, और यहाँ जो काके डैम की हवाएं हैं वो हमारे जुल्फों को छेड़ रही हैं। हवा चली मस्तानी। इसको हर चीज़ की हड़बड़ी लगी हुई थी, इस लड़की, ये वाली जो लड़की है ना, ये इसको हमेशा हर चीज़ की हड़बड़ी लगी होती। जहाँ जाओ वहाँ से जल्दी चलो, वहाँ चलो ना, वहाँ पता है कौन से आने के बाद से हमको बस मुंह में कौन सा गाना बज रहा है, हरे कृष्णा बताओ। हम यहाँ रॉक गार्डन में आए हैं फिर भी मेरे मुंह में वही गाना लगा हुआ है, ये सुंदरता निहारते हुए। सोचा था कि हाथी का जो पेट है वो बंद हो चुका है, पर हम हाथी का पेट नजर और नेहा फिर से वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है। उस हाथी का पेट यहाँ पे खुल रहा है और ये रहा वो हाथी। मैं अंदर से दिखा देती हूँ आपको, ये उसका मुंह, ऊपर से आप अंदर जाओ और ये उसका तोंद। यहाँ से निकला, ये रहा, बारिश क्योंकि हुई है तो इसके अंदर से पानी रिस रहा है, इसलिए इसके अंदर जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने मना किया कि मत जाओ यहाँ, बस ऐसे ही देख लो। यहाँ से भी एक खिड़की है, हम लोग यहाँ पर बचपन में बहुत खेले हैं। यहाँ फोटोग्राफर नीचे बैठ के सृष्टि नीचे बैठ के, हाँ और पोज लगा, मॉडल से ज़्यादा फोटोग्राफर अपना पोज दिखाते हुए। ये जो व्यूज है यहाँ पर बैठ के आप अगर मेडिटेशन भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि इतना शांति लगती है यहाँ पर, चारों तरफ से हवा आती है, डैम की हवा आपके तरफ आती है और आसपास कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। कुछ लोग रोज़ ही बोले तो यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं, शाम का वक्त होते ही ये पार्क फुल होना शुरू हो जाता है। हम जिस वक्त गए थे तब सुबह हो रही थी और
11-12 बजे के करीब हम यहाँ गए थे, तो मैंने तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। ओहो, हम लोग दोनों की दुख की कहानी सुनोगे, मेरा और सृष्टि का, इसीलिए हम लोग हाथों में लेके चल रहे हैं पैरों के सामान को। टंग टना इसका अच्छा है, फ्लैट पहन के आइए, मस्त। चलो चलते हैं, नीचे जाना है पहाड़ से उतर के, इसलिए हम लोगों ने जूता खोल लिया। निकल रहे हैं, आ जा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बदमाशी कर रहे थे, मज़ा आ रहा था, सब कोई कुछ रील्स बनाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं बन पाया, पर मज़ा आया, तीनों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। हमारे और भी फ्रेंड्स हैं, सभी आते तो बहुत अच्छा होता, पर बॉडी नहीं है, सभी को कुछ ना कुछ काम था और आज संडे भी नहीं है, दैट्स व्हाई हमने भी ज़्यादा किसी को बोला नहीं। जो पानी सूख गया बेचारा, मगर मस्त तड़प रहा है। नहीं यहाँ बस ये वाला पूल, और नेहा कुछ दिखा रही है, नेहा क्या दिखा रही है, कछुआ है, कछुआ मर चुका है पानी की कमी। ओहो, पानी की कमी से, और हम लोगों ने अभी कुछ किया है वहाँ से आया है जहाँ से आना मना था। अब रूल्स बताइए, होता ही है तोड़ने के लिए, दैट्स व्हाई हम लोगों ने रूल्स तोड़ दिया। मछली है मगर कैमरे में फोकस नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, बाप रे भरा हुआ मछली। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रहा, ये पाइप के ऊपर तो दो है, नीचे भी एक है निकला हुआ। ओह माय गॉड, ये खतरनाक जगह है, यहाँ पैर डुबा के हम नहीं बैठेंगे कभी। ये पीछे की तरफ अभी नो एंट्री लगा दिया है, वरना वहाँ के भी फोटोज़ हम आपको शेयर करते। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब हम घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और यहीं पे हम अपना ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। हमारा फर्स्ट ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा जिससे मैं रेगुलर ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि बाद में बताऊंगी रीज़न क्या है कि मैं वीडियो बंद की थी। सो सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।